हेलो फ्रेंड्स, आई एम संगम एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन खान मार्केट। तो आज हम बात करेंगे कि द हिंदू से कैसे नोट्स बनाएं, हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम द हिंदू। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा देना। सो लेट्स स्टार्ट। द हिंदू के जो 4-5 पेज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि उसमें रहेंगे न्यूज़ नेशंस, एडिटोरियल, बिजनेस एंड इकॉनमी, और फिर वर्ल्ड पेज होते हैं विच कंसिस्ट वर्ल्ड न्यूज़, एंड देन द लास्ट पेज विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट। और फिर उसमें कुछ पेजेस होते हैं विच आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट टू द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। जैसे कि स्पोर्ट्स न्यूज़ पेज, एंड देर इज़ वन पेज इंटायरली डेडिकेटेड टू पॉलिटिक्स एंड यू कैन स्किप दैट टू। तो इम्पॉर्टेंट ऑफ दैट हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, कि हम न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें। सो आई टेल यू सम टिप्स टू रीड न्यूज़पेपर। सबसे पहले आप UPSC के सिलेबस को रट जाएं, GS पेपर 1, 2, 3, 4 इस सारे के सिलेबस को पूरी तरीके से अच्छे से रट जाएं। आप सिलेबस का एक प्रिंट आउट पहले निकलवा लें और उसको अपने स्टडी टेबल पे हमेशा रखें। सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को आप यूज़ कर सकते हैं जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। तो जो सिलेबस में है अगर उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल है तो ताकि आप उन सबको नोट कर सको, वहाँ पर उनके नोट्स बना सको। पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप 2-3 मिनट में न्यूज़पेपर के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को टिक कीजिए और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उनको आप क्रॉस कीजिए। नाउ हाउ टू डिसाइड विच इज़ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल एंड विच इज नॉट, नेवर फोकस ऑन पॉलिटिकल न्यूज, स्किप दिस पेज टोटली। हालांकि कुछ कुछ आप उसमें देख सकते हो, जैसे कि अगर कुछ आर्टिकल डिबेट होते हैं जैसे कि रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज, तो अगर आर्टिकल ऐसे इशूज पे हैं तो आप उन पर फोकस कर सकते हो। एंड फोकस ऑन सोशल इकोनॉमिक इशूज लाइक एजुकेशन, वुमेन इशूज, पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन, माइनॉरिटी रिलेटेड इशूज। Focus on these type of issues and also focus on these type of article which mention these type of issues. Also focus on international importance and national importance issues because ye issues aapko GS paper mein help karega. Finally focus on world supreme and high court issues. The judgment made by supreme court and high court are very significant and will help you in answer writing. और अगर आप इनके जजमेंट को आंसर में मेंशन करते हो देन यू कैन गेट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर दिस। यू कैन स्किप डेथ अवार्ड रिलेटेड न्यूज टोटली। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज एडिटोरियल और ऑपोजिट एडिटोरियल पेज, स्पेशली द लास्ट पेज ऑफ एडिटोरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हियर यू कैन यूज सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स टू सेलेक्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। और अगर आप उस आर्टिकल को उठाओ जिसको आप पढ़ने वाले हो, तो जब आप पढ़ते हो तो उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करो और जो इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं उनको अंडरलाइन करो। उसके बाद आप A4 शीट लो एक, और फिर अपने वर्ड्स में यानी कि अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में उस आर्टिकल को वहाँ पर डिस्क्राइब करो पूरी तरीके से। तो अगर आपको द हिंदू के नोट्स चाहिए तो आप ऑनलाइन खान मार्केट .com पे विजिट कर सकते हैं, यहाँ आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना।